उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की गुमशुदा एल्बम रिलीज़ हो गई। दुनियाए मुसिक्की के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के इंतकाल के 17 बरस बाद उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड की गई आखिरी एल्बम चीन ऑफ लाइट रिलीज़ कर दी गई। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लेजेंडरी पाकिस्तानी कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के ऑफिशियल अकाउंट से जारी होने वाले पैगाम के मुताबिक 30 बरस से ज़ायद अरसे से गुमशुदा एल्बम चीन ऑफ लाइट रिलीज़ की गई है। इंस्टा अकाउंट पर एक मुख्तसर वीडियो भी शेयर की गई है जिसमें मूसीकार पीटर गैब्रियल ने इस गुमशुदा अल्बम की रियल वर्ल्ड स्टूडियोज के आर्काइव से दोबारा दरियाफ्त की कहानी बयान की है। ये अल्बम वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर रियल वर्ल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के अकाउंट पर मद्दाहों के लिए दस्तियाब है। ये अल्बम 1990 में रियल वर्ल्ड स्टूडियोज में रिकॉर्ड की गई थी। 41 मिनट पर मुश्तमिल इस अल्बम में 4 कवालियां शामिल हैं जिनमें आलुआ आ रहमान आज सिख मथरांदी आगौस आमिर और खबरमा रसीद उमशब शामिल हैं।